नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 8T वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Spark 8T में 6.46 इंच जबकि Note 11S में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Spark 8T में 2.98 इंच जबकि Note 11S में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Spark 8T में 0.35 इंच जबकि Note 11S में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Spark 8T में 192 ग्राम्स जबकि Note 11S में 212.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Spark 8T से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Spark 8T में 20:9 जबकि Note 11S में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Spark 8T में 6.6 इंचेस जबकि Note 11S में 6.95 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Spark 8T में 1080x2408 और Note 11S में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Spark 8T में 84.5% जबकि Note 11S में 85.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Spark 8T में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 11S में 387 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Spark 8T में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Note 11S की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Spark 8T में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 11S की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Spark 8T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Note 11S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Spark 8T में पावर GE8320 जबकि Note 11S में माली G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Spark 8T में MediaTek Helio G35 और Note 11S में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो Spark 8T में 4GB की RAM मिलती है जबकि Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Spark 8T में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Spark 8T में अप टू 256GB जबकि Note 11S में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Spark 8T में 4 कलर्स जबकि Note 11S में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो स्पार्क 8T में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 11S की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो स्पार्क 8T में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 11S की तो उसमें 8 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 11S आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क को 2020 है, दूसरा Xiaomi Redmi Note 10S है, तीसरा Samsung Galaxy M21 2021 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 50A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।